सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक और नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि हमारी राइडिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। सो हमारी राइडिंग में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो है एक ब्लूटूथ इंटरकॉम। एंड अगर वो एक अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ इंटरकॉम होता है तो आप उस पर गाने भी सुन सकते हो, आप उससे कनेक्ट भी कर सकते हो, आप अलग राइडर से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो इसी चीज़ की तलाश में मैं काफ़ी टाइम से था, जब से मेरा पुरानी यानी कि ये अपना छोटू परानी 22 सेना, ये ऑलमोस्ट मैंने 2 साल यूज़ किया है और बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी। ये मुझे पड़ा था लगभग 7,000 रुपये का। बट अभी फिलहाल मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए जो यूनिवर्सल कनेक्शन के साथ आए, यानी कि मैश टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैश टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास एक मैश टेक्नोलॉजी अगर आप लेने जाते हो तो वो मिलता है आपको सेना के 10S, 20S, 30S, 50S में, जो आपको पड़ते हैं लगभग 30,000, 40,000, 50,000 के। बट उसका एक सस्ता अल्टरनेटिव लेके आया हमारा एक इंडियन ब्रांड जिसका नाम है ब्लू आर्मर। तो ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया होने के साथ साथ ये आपको कई सारे ऐसे फीचर्स के साथ मिल जाता है जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतने अच्छे फीचर्स 11,000 रुपये की कीमत में आपको मिल सकते हैं। सो ये सिर्फ 11,000 रुपये का है, मतलब सिर्फ 11,000 रुपये का भी नहीं है, इससे सस्ते ही बहुत अल्टरनेटिव है। बट बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 11,000 रुपये इज जस्ट अनबिलीवेबल। एंड सबसे प्राउड की बात यह है कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। सो आपको सेना की तरह एक फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा पूरा और चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे 4 जगह के और 4 दुकान वालों के। आप सीधा कॉन्टैक्ट करके इनसे आप अपनी वारंटी अवेल कर सकते हो, उसको ठीक करा सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। सो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसको करते हैं अपने हेलमेट में इंस्टॉल। बाकी इसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सो इस प्रोडक्ट को आप कई सारी वेबसाइट्स के थ्रू इसको कर सकते हैं ऑर्डर। तो मैंने ऑर्डर किया है ये ब्लू आर्मर की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो कुछ इस तरीके की हमें पैकिंग मिल जाती है ब्लू आर्मर की तरफ से और इसके अंदर इसको अच्छे से पैक करके रखा हुआ है, जो हमारी बबल रैप वाली पैकिंग होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर इसकी प्राइसिंग देख सकते हो। इसकी प्राइसिंग है गाइस 10,999 रुपये। इनके इसके मेन फीचर्स के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। सो ये मॉडल है C30 थिंग्स अबाउट C30 जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं C30 के बारे में बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसके बारे में आपको मिल जाती है वो है भाई इसमें JBL का साउंड, JBL का सिग्नेचर साउंड। JBL को कौन नहीं जानता, JBL जो कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है साउंड के मामले में, जो आपके ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स बनाती है। दूसरा, ये IP67 रेटेड है और इसमें कई सारे पॉइंट्स और भी हैं। 16 जो मेन चीज़ है वो 16 घंटे का आपको पावर बैकअप मिल जाता है। स्पीकर इतने पतले हैं कि आपके कान में इजीली फिट हो जाएंगे, मतलब आपको और आपके हेलमेट और आपके कान के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ब्लूटूथ 5.1 यानी कि लेटेस्ट पे काम कर रहा है, जिसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज रीड आउट, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी इंटरकॉम में। तीसरा, इसका 360 डिग्री ऐप, ये आपको बॉक्स ओपन करते ही जो इसके अंदर एक स्कैन कोड मिलेगा उससे स्कैन करके आप उसको कर सकते हो कंप्लीट। अप टू 5 बडीज ऑन स्पिन डायल आप सेव कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिकनेक्शन है, अगर आप कहीं दूर जाते हैं इस आप अपने राइडर से दूर चले गए और वापस से आप जैसे ही आएंगे वो रिकनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। हम इसको फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स। सो गाइज, अनबॉक्स करने के लिए आपको बस इसके मैग्नेटिक फ्लैप को ओपन करना है और ये प्यारा सा बॉक्स आपको अंदर दिखता है। इसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा जिसमें अगेन मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तरुण कस्टमर नेम। अगर आप इसको ब्लू आर्मर की तरफ से ऑर्डर करते हो तो इस पर आपका नाम लिखा होता है हमेशा। इसके अंदर आपको लिखा हुआ है टर्न फॉर अ न्यू चैप्टर इन मोटरसाइकिल कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली मैं इससे पहले पुरानी यूज़ कर रहा था एंड जब वो पुरानी मेरा ख़राब हो गया देन उसके बाद मैंने इसको परचेज किया है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। बट इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं तो इसकी वजह से मेरा मन इसके आ गया। ये है भाई आपका मेन यूनिट। सो इसमें आपको 5 बटन्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए ये देखिए सी वाओ। सो ये भी पुरानी की तरह सी टाइप की केबल से ही चार्ज होता है। एंड ये है आपका मेन यूनिट जहाँ पे आपका ईयरबड कनेक्ट होगा, ईयरफोन्स कनेक्ट होंगे। सो इसके अलावा इसके जो और कंपोनेंट्स हैं वो हैं ये, इसमें आपको मिल जाता है ये स्पीकर्स हैं, बड़े प्यारे से स्पीकर हैं छोटे छोटे से। सो इनके पीछे ऑलरेडी वो वेलक्रो वाला इफेक्ट दे रखा है जो आपको वेलक्रो से कनेक्ट करने के लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर आप एक बारकोड देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आप कोई भी इसमें इसके बारे में कोई भी बात जानना चाहते हो तो आप इसको स्कैन करके उसके बारे में जान सकते हैं। सो ये हैं इसके स्पीकर्स, ये है इसकी केबल, यही प्यारी सी केबल है क्योंकि मैं पुरानी जो यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जो पुरानी यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक्चुअली में यहाँ पे जो केबल है ना वो केबल नहीं है, वो 2 वायर सबको कटने का बड़ा डर रहता है। एंड ये एक लॉक के साथ आता है। सो दिस इज़ बेटर कि अगर कभी भी आपको एक्सीडेंटली तार खिंच जाता है कुछ भी होता है तो वो टूटने का डर नहीं रहेगा। एंड ये जो आपका माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में भी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वेलक्रो दे रखी है कि आप इसको चिपका सकते हैं इजीली अंदर। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये माइक्रोफोन आपका डिटैचेबल है। इसको करेंगे अभी इंस्टॉल। आपको इसमें 2 कनेक्टिविटी मोड देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने हेलमेट वैसे कनेक्ट कर सकते हो। एक है आपका 3M टेप के साथ, दूसरा है आपका स्क्रूज़ के साथ। तो मैंने ऑलरेडी 3M टेप के साथ एक लगाया हुआ है, अभी मैं इसको स्क्रूज़ के साथ टाइट करूँगा। अब आपको मिल जाती है एक
अच्छी सी चार्जिंग केबल जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, जैसे कि आपके हेलमेट में काफ़ी अंदर जाके अगर स्पीकर फिट हो रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका जो नॉर्मल है ये पीछे जाके स्टिक हो जाएगा एंड इसके बाद ये आप इसके ऊपर एक भी कोई भी पीस लगा के देन स्पीकर लगा सकते हो। बट अगर आपके स्पीकर डायरेक्टली इस पर माउंट हो सकते हैं और आपको इजीली फिट आ रहे हैं तो आप उसको भी फिट कर सकते हो। सो ये फिटिंग के लिए है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी इसमें ऑलरेडी एक पुरानी का जो ब्लूटूथ इंटरकॉम है वो कनेक्टेड है। सो सबसे पहले हम इसको डिसेंबल कर लेते हैं। रीज़न इसका ये है कि यार ये अभी राजस्थान राइड पे ना इसमें अंदर पानी चला गया था और ये बर्बाद हो गया भाई। सो सबसे पहले हम इसकी सारी पैडिंग्स को हटा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया ही था कि इसमें उस तरीके की केबल नहीं आती है, इसमें एक वायर आता है नॉर्मल सा। इसमें जैसे आपको केबल मिल जाती है इसमें एक नॉर्मल वायर आता है। सो इसके कटने का यार बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये हमारा कैमरे के लिए जो रोड का माइक है वो है। ओके सो परानी इज़ आउट ऑफ दिस हेलमेट नाउ। सो यार देख रहे हो आप ये यहाँ पे 3M टेप के साथ पहले मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। तो अभी मैं इसको ट्राई करूँगा कि मैं इसको इसके साथ ना ही लगाऊँ। सो अगर मैं इसको यहाँ पे भी लगाता हूँ तो ये ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो इट इज़ इनफ टाइट। अभी यहाँ पे हमें जगह देखनी है इसको प्लेस करने के लिए। सो इट्स गुड लुकिंग गाइस। इन मुझे यहाँ पे स्पीकर्स को फिट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से इसमें पैडिंग्स लगी हुई हैं और इसके स्पीकर्स ज़्यादा अंदर नहीं हैं तो मुझे उसमें भी कोई खास चैलेंज नहीं आएगा। उसके वायर्स को मैं पीछे की साइड पर रखूँगा क्योंकि जो इसका फ्लैप है जो ये है इससे वायर कटने का कोई डर ना रहे। सिंस जब इसके ऊपर वो पैडिंग आएगी सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगा एज इट इज़, तो ये हिलने का भी डर नहीं रहेगा आपको। सो गाइस आप देख रहे हैं अभी ये फिट हो चुका है पूरी तरीके से इसमें एंड ये आपके जो स्पीकर्स का वायर है। सो अभी मैं जब इसको प्लेस कर रहा हूँ नीचे तो ये वायर एक्चुअली मैं नीचे मुड़ रहा है किसी भी चीज़ से टच होते टाइम। सो मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगा आज, बस मैं इसको ट्रायल के लिए यहाँ पर रखूँगा दैन फिर इसको मैं 3M टेप के साथ यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ सो ये वायर नीचे ना टकराए। सेम चीज़ मेरे पुरानी के साथ हुई थी जिसकी वजह से मैंने पुरानी को फिर 3M टेप पे शिफ्ट किया था क्योंकि उसमें भी यही वाला सेम कनेक्टर था। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल इसको ट्राई करते हैं आज और बताते हैं आपको इसका एक्सपीरियंस। सो इसको भाई फटाफट से कर लेते हैं कनेक्ट अपने फ़ोन के साथ, तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। करते हैं इसको कनेक्ट। कनेक्ट द हेडसेट टू यूनिट। ओके डन हो गया है। टर्न ऑन द डिवाइस बाई प्रेसिंग ओ बटन। ओके सो बीच वाला इसका बटन हमें प्रेस करने हैं और ये ब्लू लिंक इसमें आ जाएगा। ओके विल यू टू लिसन द पुट अप ओके अनाउंसमेंट आ रही है। इसमें पेयर करने के लिए फ़ोन को हमें अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। अभी हमें इसमें टू इनेबल द ब्लूटूथ पेयरिंग मोड ऑन द सिंगल क्लिक ऑन द प्लस एंड माइनस बटन्स। सो सिंगल क्लिक करना है आपको प्लस और माइनस बटन दोनों को साथ में एक साथ। सो अभी इसकी लाइट ब्लिंक होने लगी है तो आई थिंक ये शायद पेयरिंग मोड में आ चुका है, हमें इसी को कनेक्ट करना था। सो नाउ दिस इज़ कनेक्टेड टू द फोन। अभी इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और कई राइडर्स के साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल की वीडियो में मैं इसको म्यूजिक प्ले करके आपको इसकी एक बार क्वालिटी बता देता हूँ कि किस तरीके की क्वालिटी है भाई इसकी। सो नाउ C30 इज कनेक्टेड एंड आई एम गोइंग टू प्लेइंग द म्यूजिक। तो यार देखो भोजपुरी म्यूजिक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एक बार भोजपुरी का कोई भी गाना चला के एक बार इसमें देखें। एक तो यार ये एडवर्टाइजमेंट बहुत परेशान करता है स्पॉटीफाई का, नहीं लूँगा तुम्हारा प्रीमियम में। यार बेस काफ़ी अच्छा है यार इसमें, मतलब बाइक वाले ब्लूटूथ इंटरकॉम में इतना अच्छा बेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। बट यस JBL है तो थोड़े थोड़े एक्सपेक्टेशंस थे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका जो 360 ऐप है उसको ऑपरेट करके एंड अलग अलग ब्रांड के किसी भी जो मेरे फ्रेंड के पास होगा उससे मैं आपको कनेक्ट करके इसको ज़रूर दिखाऊंगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक। और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप इसे कब खरीदने वाले हो कमेंट में ज़रूर से बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।